कनेडियन खबरनामा दे विच वड्डी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। डेविन रोशेनबर्ग सख्त इमीग्रेशन टीचे बैंक ऑफ कनेडा की दर नूं 2% तो हेठां कर सकते ने। दूजे विश्व युद्ध तो बाद उछाल ते सब तो वड्डी आबादी की परवाह की प्रधानगी करन तो बाद परेशान जस्टिन ट्रूडो सरकार आखिरकार अपने इमीग्रेशन टीचियां ते ब्रेक लगा रही है। पिछले हमलावर टीचियां की तुलना में इसका मतलब लेबर फोर्स में हौली वाधा होगा और उम्मीद है कि प्रति व्यक्ति असल कुल घरेलू उत्पाद GDP लगातार बहुत साल में कटौती रोकया जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट हो गया कि कनेडा का आर्थिक बुनियादी ढांचा बेमिसाल टीचियां नूं जजब करन विच नाकाफी है। तो पिछले 3 साल में अंतरराष्ट्रीय इमीग्रेशन प्रवाह की लहर दे विच नीति विच ए तब्दीली है कि असल है कि अपडेट किए 3 साल के टीचे विच कनेडा वालों 2025 390,000 नवे स्थाई निवासियों का स्वागत किया गया, जो 2024 5 लाख तो घट है। 2026-27 के टीचियां के सन्मान व्यवस्थावां नाल ते पर असल तब्दीली पहली बार अस्थाई निवासियों ने टीचियां की शुरुआत नाल आई, जो कि हाल ही के सालों में प्रवासी अगवाई वाली आबादी में वाधे अते उस दे जिम्मेवार ने। कनेडा में पिछले 7 साल के अंदर प्रति साल औसतन 573,000 शुद्ध आमद हुई, जो कि 2023 1.2 मिलियन तो उपर है। कनेडा में वर्तमान के अंदर 30 लाख तो वध अस्थाई निवासी ने। आबादी का 7% तो वध नवे टीचियां का उस आंकड़े को 5% तक घटाना, जो कि थोड़े समय लिए बहुत वड्डा झटका है, क्योंकि स्थाई निवासी टीचे का अजिहा वड्डा हिस्सा कनेडा में मौजूदा अस्थाई निवासियों को दे दिता गया। जिवें कि आने वाले शुद्ध प्रवाह ते कुल आबादी विच वाधे साल विच थोड़ा जा नकारात्मक हो जाएगा। चलो अर्थव्यवस्था इसका अर्थ इस खोलिए लेबर मार्केट के प्रभाव के चेहरे मुल शिद्दा दिखाई देंगे और लेबर फोर्स हौली रफ्तार के नाल अगे वधेगी, जो कि स्थिति नालों सख्त लेबर मार्केट में दर्शाती है। पर इत्थे थोड़ा जिहा सरतंब जरूरी है। किरत शक्ति पिछले साल आंकड़िया 1.8% के मुकाबले 2.7% साल की दर विच रुजगार नालों बहुत तेजी नाल वध रही है, जिस नाल कनेडा 0.9% अंक का वाधा होया। पिछले साल बेरोजगारी की दर 6.5% सी। सानू इस गल्ल ते विचार करन दी जरूरत है कि नवी योजना के तहत दोवें मार्गों का की होवे। हाँ, किरत शक्ति विकास हौली होगा, पर संभावित तौर पर अजे भी नकारात्मक रहेगा। स्थाई निवास प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तो नौकरी केंद्रित आधारित प्रवास में पहला नालों उच्च तरहीज दिती जा रही है। ये नाल ही हौली इमीग्रेशन का अर्थ है कुल वाधे के खपत का प्रभाव के कारण किरत की मंग ते एक महत्वपूर्ण प्रभाव। इसलिए पिछले दे मुकाबले बेरोजगारी दर की यात्रा की दिशा जरूरी है, जो बहुत ज़्यादा नहीं बदली हो सकती कि हाशिए के ढिली कारण थोड़ा जहा हौली हो। संखेप रूप में पिछले साल के अंदर बेरोजगारी दर 20% के वाधे नाल इमीग्रेशन पाबंदियों के लागू होने तो बाद भी कारोबार लई पहला ही 1-1 वेली मजदूरी ते इस नीवी नवी तब्दीली दे विच नतीजे वजो बेरोजगारी दर जरूरी तौर पर घट नहीं होगी, क्योंकि लेबर मार्केट पहला ही बहुत ज़्यादा संप्रपित है। हौली हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि जवाबी तौर पर यह तनखा के दृष्टिकोण तो महंगाई है, तो नौकरी के मुकाबले घट करने वाले घट प्रवाह तो एक ऑफसेट है, क्योंकि घटाए गए इमीग्रेशन टीचियां का कुल मंग वाधे ते भी दबाव वाला रहेगा। तो इसलिए ये इस सब बैंक ऑफ कनेडा की नीति लई एक धौण के रूप में सामने आता। गवर्नर टिफ मैकलेम पहला ही पिछले समय में बहुत कुछ कह चुके ने। इन आर्थिक प्रवास क्रियावान इकट्ठे रखने लई ये स्पष्ट है कि एडजस्ट किए टीचे बैंक ऑफ कनेडा के तेजी नाल सुखावे मार्ग में नहीं रोकणगियां अते नतीजे वजो असी कनेडा के अंदर साढ़े लम्मे ब्रांडा जो छोटी लूनी काल विच कोई अव्यवस्था करने की तैयारी नहीं है। जेकर कुछ भी
है तो मंग ते प्रभाव सप्लाई माड़े नतीजे कितने कितने नज़र आएंगे। तो हुण वेखना होगा कि इस पूरे मामले दे विच सरकार अपना की रुख अख्तियार करती है, पर नीति ते मंग दी जेकर गल की जाए कितने ना कितने ये वड्डी कटौती नाल कनेडा दी GDP नूं वड्डा फर्क पैण वाला है। कनेडियन खबरनामा दे विच इसी हुण तक दी वड्डी खबर होर खबर देखण सुणने पढ़ने दा बने रहो आज news वाला .com दे नाल।